आए कुआं में 20 गो सांप गिरा हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। आज जो है अलाउद्दीन जी के सूचना पर आए हैं और ये कह रहा है कुआं में 20 गो सांप गिरा हुआ है, लेकिन 2000 किलोमीटर दूर से हमने आकाश यादव जी को बुलाया है कि भाई कुआं में 20 सांप गिरा हुआ है, 20+ सांप गिरा हुआ है, तो इस तरह उठाना है किस तरह, ये आकाश जी ही बताएंगे। क्यों आप नहीं उठा सकते हो? हमसे सर 20 गो सांप नहीं उठेगा, इसलिए चार आदमी है। हम लोग मुरली वाला हौसला नहीं है सर, इसलिए हम लोग से उठेगा नहीं। इसलिए आपको 2000 किलोमीटर दूरी से बुलाया गया है सर यहाँ पर। हम अभी देखेंगे कौन से 20 गो सांप हो। और पांच आप पकड़िए, पांच ये पकड़ेंगे, पांच हम पकड़ेंगे आप लोग। इनका चैनल का नाम है सुजेश स्नेक सेवर, मुबारक स्नेक सेवर, लादिन स्नेक सेवर, सरप मित्र आकाश यादव। चारों जो चैनल है सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए हम देखते कुएं में कौन से सांप है। और ये हमारे जो है अंकल, इनको भी आज कुआं में उतारा जाएगा, ये घड़ियाल निकालेंगे। हम लोग तो खाली सांप निकालेंगे ना, इनको एक कुम्हीर दे देंगे, कुम्हीर ये निकालेंगे। चलिए ये वीडियो बहुत रोमांचक होने वाला है, लास्ट तक बने रहे वीडियो के, मजा आएगा ना। 20-20 सांप, 20-20 सांप। चलिए अरे भाई कितना दूर ले जाएगा हो सर, 20 सांप पकड़ना है तो थोड़ा दूर तो जाना ही पड़ेगा। अब बाप रे बाप, तो 20 सांप होगा तो भीड़ तो होगा ना। जी जी जी। तभी वीडियो वायरल जाएंगे, नहीं तो फिर देख ली सर, 20 सांप जब तक नहीं होंगे तब तक वीडियो वायरल नहीं जाएगा, लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। एक सांप क्यों देखेंगे ना, जब आदमी को 20 सांप मिल रहा है, 20 सांप जब गिरेगा तब वीडियो वायरल होगा, एक दो सांप गिरेगा तो कैसे वायरल होगा। कुत्ता भी गिराएगा, कुत्ता भी गिरा है इसमें, ना ना कुत्ता नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा सा साहब भाई आप लोग जगह दीजिए, हट जा, अरे सर रे किधर, उधर चल जाओ तुम लोग, कैमरा में नहीं, एक सांप गिर सकता है, 20 सांप छोड़ा जाता है, एक सांप गिरेगा। आपने देखा होगा वीडियो में कि कुएं में 20-20 15-15 सांप गिरता है, है ना। आपने यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कुएं हैं, अभी तक मैंने 20 साल हुए, मैं सर को जानता हूँ 15-20 साल हुए, अभी तक मैंने देखा नहीं कि उनको किसी कुएं में 20-25 सांप मिले, इतना सारा कुआ होके। और एक भाई साहब है जो कुएं में 20-20 सांप निकलते हैं, हम 20 नहीं, हम 50 सांप भी एक साथ पकड़ सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ ये भी पकड़ सकते हैं, ये भी पकड़ सकते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ 1972 अंतर्गत ये कायदे गुना है कि हम 20-20 सांप कहीं डालेंगे, उनको फिर वापस पकड़ेंगे, सांपों का हरेसमेंट करेंगे, उनको तकलीफ देंगे। होता ये है, एक बंदा है और वो क्या करता है, कहीं पर सांप निकलता है एक, तो उसमें पैसा देकर के और 20-15 डाल देता है और निकलता है, और लोगों कहता है कि 15-20 सांप गिरे, असंभव है, हो नहीं सकता है। ठीक है, बहुत से बहुत कुआ में एक या दो या फिर तीन सांप गिर सकते, वो भी कैसे, आज एक गिरा है ध्यान नहीं दिया, फिर उसके सप्ताह बाद और एक गिर सकता है, उसके 10-15 दिन बाद एक गिर सकता है, इसके मामले महीने भर में एक कुआ में 1-2-3 सांप गिर सकता है, लेकिन एक साथ एक कुआ में 15-20 सांप गिरना असंभव, वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। और जो लोग ये काम कर रहे हैं अभी यूट्यूब में, उन पर जल्दी से बैन होने वाला है दिल्ली हाईकोर्ट से, दिल्ली से हम जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है वहां से उन पर कार्रवाई करने वाले जल्दी, ये झूठा कारोबार चल रहा है पूरा। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पर आया, मैं महाराष्ट्र से, जानता है मुझे, कोई वीडियो देखते हैं नहीं यूट्यूब में, वीडियो देखते हैं नहीं, महाराष्ट्र से आए बहुत दूर ये सांप पकड़ने के लिए। ऐसा नहीं है, अगर कहीं सांप निकलता है इतना दूर मैं नहीं आ सकता जी सर, जहाँ यहाँ पर जो लोकल रेस्क्यूर होगा ना उनको आप पहले फोन करेगा तब हम आ सकते हैं, इन्होंने इनको सूचना दी, इनके माध्यम से हम यहाँ पर पहुंचे। तो बोले चलिए, कौन सा सांप है ये,
राज साहब कहाँ का आएगा 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 उधर आएगा चल जा उधर जाओ सर इधर आ जाइए ना थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाओ घूम के आ रहा लकड़ी से करो उसको थोड़ा अरे वो ठेगा दीजिए ना वो बास्ट दीजिए हाँ धक्का दो चाचा इसको पकड़िएगा थोड़ा सा चाचा सांप हो जाता है तो सांप लग होता है दीजिए पॉकेट साफ है हाँ आ गया बस बस थोड़ा थोड़ा बस 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 अरे यार घूम रहे हो समझ गए हो यहाँ से आप आगे से इधर से हट जा एक किलो घट थोड़ा सा अर्नब इधर अर्नब हट जाइए आप लोग हट जाइए थोड़ा सा बस 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 अरे हटना है काफी बिग साइज में है बहुत फुल साइज बैंडेड क्रैक स्नैक व्हेनेवर स्नैक स्टिक दिखाइए वीडियो कॉल करिए ना सब YouTube पे देख लेगा सब ये पे देख लेगा स्टिक दिखाइए चलिए अब हम इसको पकड़ते हैं महाराष्ट्र भाषा में क्या कहते हैं थोड़ा बता दीजिए इसको महाराष्ट्र में पट्टेरी मनियार पटनी पट्टेरी पट्टेरी मनियार हर स्टेट का अलग अलग भाषा हर स्टेट का अलग अलग भाषा होता है और इसका नाम यहाँ पर मुझे लगता है राज सांप और ये दूसरे सांप को बड़ा आसानी से पकड़ कर खा लेता है और सर कुछ जानकारी दीजिए इसके बारे में और क्या बताए इसकी पर्सनालिटी आप देख सकते हैं कि इसको पहचानना बड़ा आसान है बाकी सांप आप जल्दी नहीं पहचान सकते ये सांप बहुत जल्दी पहचान में आता है क्योंकि गर्दन से लेकर पूंछ की नोक तक आप देख सकते हैं इसी शरीर पर काले और पीले इससे काट रहा लोग को जो हाँ काटा मारने का मरता है देखना है मैं मरता हूँ इसके बारे में बताइए कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ लोग कहता है कि पूंछ के तरफ से भी काटता इसका अच्छा ये पूछिए आप आगे आगे जी इसका ये अगर काट देगा आदमी को अगर काट देगा तो इस जिंदा कितना घड़ी रह सकता है तो बात ऐसा है वैसे तो एक सांप काटना नहीं चाहता जल्दी क्योंकि इसके दांत जो है अंदर की तरफ होते हैं बाकी सांप के दांत जो है आगे की ओर होता है जी सामने होता है इसका पीछे होने के कारण ये जल्दी काटना नहीं चाहता लेकिन दबाव देंगे जोर से पकड़ेंगे तो ये बाइट करेगा ठीक तो इसमें न्यूरोटॉक्सिन वेनम होता है न्यूरोटॉक्सिन और लगभग एक घंटा से चार घंटे के भीतर इंसान का मृत्यु हो सकता है अगर ये सांप काट ले सही है ना जी 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 तो और बताइए आप जानकारी और बताएं। और हम थोड़ा बताएंगे ये पुरलिया हाँ, पुरलिया भाषा में शाखा मोती कहते हैं पुरलिया भाषा में जो बंगला है और कहीं कहीं से सांपों का राजा भी कहा जाता है और हम लोग का एरिया में सबसे ज्यादा होने का कारण क्या है कि ये फॉरेस्ट एरिया है और फॉरेस्ट में ये बहुत ज्यादा मिलेगा क्योंकि तालाब का अगल बगल रहना पसंद है और भोजन में सर ये दूसरे सांप को पकड़ कर खाएगा खासकर हम चाहते हैं जो हम लोगों को फोन किया है वो भी तो दूसरी चीज बताए कुछ लीजिए बताइए लोगों को वहाँ बताइए लोगों यही लोग जो हमको फोन किया था कि अलाउद्दीन आइए एक सांप जो है कुआं में गिर गया तो हम सोचे क्यों ना मुबारक सर को और आकाश सर को बुला लेते हैं साथ में रेस्क्यू करेंगे तो अच्छा लगेगा इसीलिए हम लोगों को फोन किए कहीं भी हम लोग जाते हैं लोकल रेस्क्यूअर को लेके ही रेस्क्यू करते हैं इससे क्या होता है ना कि लोग और हम लोग से ज्यादा जुड़ना पसंद करता है जी सही बात है थोड़ा सा आप भी इसका ज्ञान दीजिए हर एक जो सांप होता है वो सर गोल होता है और ये एक सांप ऐसा है ट्रायंगुलर शेप में है ट्रायंगुलर हाँ। जी सर हर एक सांप जी जी थोड़ा सा नजदीक आ जाइए ट्रायंगुलर है त्रिभुज आकार है ये त्रिभुज आकार है वीडियो को देखकर कॉपी नकल करने का कोशिश ना करें अगर नकल करने का कोशिश करते हैं तो डायरेक्ट शमशान घाट हाँ। यही एक उपाय है यहाँ पर देख लिए सांप पकड़ रहे हैं फिर आप लोग भी ऐसे पकड़ने का अगर कोशिश करते हैं काटेगा फिर मौत निश्चित इसलिए वीडियो देखकर
कॉपी करने का नकल करने का कोशिश बिल्कुल ना करें। वीडियो देखकर कलम उठाएं जी और पढ़ाई करने का प्रयास करें। पढ़ाई कीजिएगा तो आगे तक जाइएगा। सांप उप मत पकड़िए, ये सब धीरे धीरे देखिए डेंजरस एक्ट हो रहा है ना लोग। हाँ सांप पकड़िए कब, जब 6 महीना साल भर सांप का किताब पढ़िए, पढ़ाई कीजिए, स्नैक ऑफ इंडिया बुक पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपको समझ जानकारी मिलेगा। क्या सर जी सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। किताब पढ़िए सांप का, उसके बाद ही आप जानिएगा। ट्रेनिंग लेना भी जरूरी है, जरूरी जरूरी जरूरी। ट्रेनिंग नहीं लेगा तो काटेगा ना, है ना। तो जानकारी के साथ ट्रेनिंग भी लेना जरूरी है सांप पकड़ने के लिए। अगर तजुर्बा भी अच्छा होना चाहिए, अगर ऐसे ही कोई सांप पकड़ने जाएगा तो उसको काट लेगा, क्योंकि सांप पकड़ना एक कला है, आर्ट है, उसे सीखना होता है। लगभग साल डेढ़ साल दो साल भी अध्ययन करने के बाद उसको ट्रेनिंग लेना होता है। ठीक है, चलिए अभी बैग में डालते, चलो आइए बैग। चलिए हमारा देश हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। चलिए सर अब इसे फॉरेस्ट में रिलीज करने के लिए। जंगल ही जंगल है।